एंड गाइस फाइनली हमारा पराठा आ चुका है भाई साहब। क्या देते हैं इनाम? अगर पूरा खाएं तो इनाम देते हैं। 15 मिनट में खाने पर 1,00,000 का इनाम। उठा दी सारा सामान, ध्यान से देखना कहीं कुछ रहना जाए यहाँ पे। टाइम टू से गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल होटल रूम, लेट्स गो। हमारा सुबह 9 बजे निकलने का प्लान था, अभी टाइम क्या आ रहा है सोएब भाई? 3:58 राइट नाउ। मन ही नहीं कर रहा था यार बाहर जाने का, बाहर गर्मी इतनी है ना, देख लो इतनी ज़्यादा गर्मी है। अंदर मज़ा आ रहा था एसी में बैठने में। मेरा बैग कहाँ है? मेरा बैग ये ना, ये ऊपर रख दो, इसमें लैपटॉप है ना, पहले और एक बैग है ना, बैग तो यार। चलो जी बिस्मिल्लाह। तो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज है जी हमारी ट्रिप का 3रा दिन। अभी हम फिलहाल चंडीगढ़ में और हम जा रहे हैं दिल्ली की ओर, ठीक है। चंडीगढ़ में बहुत ज्यादा मस्ती की हमने, सबको मजा आया। कितना मजा है सबको? बहुत ज्यादा मजा आया ना। तो अब जा रहे हैं हम दिल्ली, दिल्ली में बहुत ज्यादा मस्ती करेंगे हम। लेकिन बाइक हमने पार्किंग में रख दी, पार्क कर दी 2 दिन के लिए, क्योंकि बाइक पर थोड़ा हैक्टिक हो जाता दिल्ली तक जाना। मैं सोचा था बाइक पे जाएंगे, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा गर्मी है, तो बाइक पे मेरे लिए तो पॉसिबल था नहीं। और इन्होंने भी किसने माना नहीं, बोला नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, तो हम गाड़ी में चले जाते सारे मिलके गप्पे वगैरह मार के। तो बाइक कर दी पार्क, तो अभी हाईवे पे आ गए हैं हम। अरे तुम्हें दिल्ली कौन कौन गया इससे पहले? मैं गया। आप ही गए हो? दानिश भाई तो नहीं गया, तो गया है ना। राहिल कहाँ गया है? पहली बार आया है और दिल्ली भी पहली बार ही जा रहा है। तो दानिश भाई और दानिश भाई और राहिल भाई पहली बार जा रहे हैं दिल्ली, हम बाकी उन्हें देख रखा है। दिल्ली 200 किलोमीटर। ओए होए, क्या बात है। सात समंदर या खासा जोर बोल वास्ते, ओ पैसे पूसे वाले बिलो सोचे दुनिया, झट पैदा होया बस खाण वास्ते। गाइस शाहरुख खान कर गाइस एसआर के मन्नत पहुंच गए गाइस। क्या यार, बस मन्नत लिख दिए। पेट पूजा टाइम गाइस, यहाँ पर पहुंच चुके हैं हम रॉयल ढाबे के पास। गाड़ी लगाते हैं साइड पे, उतरते हैं और कुछ खाते हैं। दानिश भाई को भूख लगी है। दानिश भाई मजा आ रहा है आजकल के बच्चों के मजे हैं यार। छोटी सी उम्र में इसने आधा इंडिया देख लिया। मैं जब इसकी एज का था मुझे पता भी नहीं था दिल्ली होता क्या है। दिल्ली मैंने सुना, मैंने शायद दिल्ली 2-3 साल पहले ही सुना होगा। मज़े हैं यार बच्चों के। खैर हम ढाबे के अंदर आ चुके हैं, कुछ खाते हैं बढ़िया सा। ओ गर्मी लेकिन काफ़ी यार यहाँ है ना, गर्मी बहुत है। तुझे ही लग रही है? मुझे गर्मी बहुत लगी यार। दानिश भाई क्या खाओगे आप? देखेंगे ना वो यार, बोलो मुझे बीच में छोड़ो। हाँ नहीं मोटे दो की, ये मोटे दो की बड़ी जमती है। तुम लोग क्यों ज्यादा खाते हो यार? तुम लोग ऑलरेडी वेट लॉस क्यों नहीं करते? तुम हमसे ज्यादा खाते हो। हम मोटा कौन है बता? हां बोलो, ये कितना बड़ा है? कौन सा दिखा दे? कहां है? भारत का सबसे बड़ा पराठा। सर ये क्या चीज है? ये ना भारत का सबसे बड़ा पराठा है। हमारा 2 फुट के आसपास होता है। कितने कितना बड़ा होता है सर? 2 फुट के आसपास होता है। 2 फीट कसम से कर दीजिए, एक कर दीजिए 600 वाला लेकिन बढ़िया वाला होना चाहिए सर, एकदम बढ़िया। जी जी ट्राई करते हैं यार। भारत का सबसे बड़ा पराठा ऐसा कुछ लिखा है इस पे, 600 का। देखते हैं क्या होगा यार, मेरी क्यूरियोसिटी रहती है मुझको। लेट्स सी। नाइस भाई को आज भारत का सबसे बड़ा पराठा खिलाएंगे, इसको पराठे की सही जरूरत है। दोनों खुश हो गए। खुश हो गए दबा के खाना है, बड़ा 2 फीट का है। कोई ड्रिंक उठाते हैं। पाइनएप्पल, हम दोनों का फेवरेट पाइनएप्पल। ये ले लिए जी हमने। जब तक हमारा पराठा रेडी होता है तब तक हम जूस पी लेते हैं। इन्होंने बोला पराठे में लगेगा 25-30 मिनट, आधा घंटा। कुछ स्पेशल ही होगा यार, बड़ा 2 फीट का बन रहा है तो आधा घंटा तो बनता है। तब तक हम जूस पी लेते हैं। लेट्स सी। थोड़ा और दे यार, आधे से भी आधा दिया तूने। गुड दबा के।
अच्छा, तब तक कुछ दे दीजिए कुछ खाने के लिए, जब तक पराठा रेडी होता है तब तक कुछ दीजिए, छोटा मोटा सा कुछ लिया, रोटी कुछ रोटी वोटी नान वगैरह है नान। एंड गाइस फाइनली हमारा पराठा आ चुका है भाई साहब, कितना बड़ा है यार, वीडियो में छोटा लग रहा है यार, बहुत बड़ा है। हाँ जी, 1 लाख रुपए इनाम देते हैं। क्या देते हैं इनाम? अगर पूरा खाएं तो इनाम देते हैं? कहाँ पे इनाम है? अरे अरे अरे, इनाम है कुछ, क्या इनाम है, कहाँ पर इनाम है? 15 मिनट में खाने पर 1 लाख का इनाम। गाइस 15 मिनट खाने पर 1 लाख का इनाम, इधर से दुबई की ट्रिप करेंगे यार। अहल भाई क्या ख्याल है, खा लेगा? अकेले अकेले एक ही बंदे को खाना है ना सर जी? इनाम का क्या सीन है? इनाम वो सिंगल पर्सन, एक बंदे को खाना है। किसने खाया है? किसने खाया आज तक? टाइम हो जाए, 15 मिनट में खाना है, 15 मिनट में तो खा पाएगा सर? आपसे बड़ी उम्मीद है हमें, हम गोवा का ट्रिप करेंगे फिर यार, दुबई चलेंगे, दुबई मोटा है खतरनाक, 15 मिनट में नहीं हो पाएगा। दानिश भाई आप खा पाएंगे? मैं खा लूंगा अच्छे से। चलो यार क्या ही कर सकते हैं, खा लेते हैं वैसे ही, 1 लाख को छोड़ो, हम मजे लेते हैं पराठे के। ये क्या है, ये क्या है? होगा कुछ चटनी टाइप। ये सॉलिड है यार, ऐसे टेस्ट भी कर ले कैसे, बढ़िया है। जैसे सिंपल पराठा होता है ना वही है, लेकिन अब सिंपल पराठा लेकिन बड़ा है। ओके उठा उठा उठाओ, क्या ये ले ले सर, आप खाइए सर। नाइस भाई, नाइस भाई खुश हो गया। जबरदस्त है यार, दही के साथ अलग ही स्वाद आता है। कैसा है दानिश भाई? जबरदस्त पूरा खा पाते तुम? मुश्किल है पूरा खाना। गाइस सबका पेट भर गया, फुल एकदम फुल, पूरा दानिश भाई फुल, वो तो खा रहा है अभी दबा के। फुल किससे खा रहा है यार? पहले ही अभी खा रहा है, पहले ही अभी खा रहा है। आराम से खा, आराम से खा। इसके बाद और खाना है? ये पहले ही 2 पीस रखे और खाना है। ठीक है, 2 पीसेस बच रहे हैं। मेरा तो पूरा पेट फुल हो गया और राहिल भाई का भी फुल, मजा आ गया ना, इट वॉज फन, इट वॉज फन। चलो जी सफर कंटिन्यू करते हैं ये पैक करके। अब बताओ जी। हेलो ब्रो क्या हाल है सर आपके? ये देखिए जी, ये देखिए पराठा, पराठा देखिए पराठा, कितना बड़ा पराठा था, जितनी प्लेट है ना इतना बड़ा पराठा था। दानिश भाई से मिलिए, दानिश भाई से हाय। गाइस करा लिया जब ने पराठा पैक, दिखा 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 जो बचे 2 पीसेस थे पैक करा लिए और अभी चलते हैं सफर कंटिन्यू करते हैं। ये हमारी गाड़ी, ये हमारा बिल 145, क्योंकि हमने जूस वगैरह भी लाया था और वो रोटी वगैरह, तो हाँ पराठा 600 का था। नाइस भाई मज़ा आया आपको? पक्का मज़ा आया? कितना मज़ा आया? ज़बरदस्त मज़ा। चले अब चलो जी, अभी दिल्ली यहाँ से है 45 किलोमीटर दूर, तो जल्दी दिल्ली पहुँचते हैं। मज़ा आ रहा है यार, अभी लग रहा है मज़ा कर रहे हैं। चलो जी लेट्स गो। गाइस इस ट्रैक्टर वाले को देखो यार, कितना उठाया है इसने भाई, बाप रे। सारा काम एक ही साथ निपटा लेते हैं, सारा लोड एक ही साथ पहुंचा देते हैं, एक्सप्रेसवे का फायदा उठाते हैं, एक्सप्रेसवे का फायदा। एंड गाइस दिल्ली में घुस चुके हैं हम, क्या बात है जी। ये रही जी दिल्ली की सड़कें और दिल्ली की बिल्डिंगें, क्या बात है जी। उतरो जी, उतरो जी। दानिश भाई
कैसा लग रहा आपको दिल्ली आके? मस्त। दिल्ली की हवा कैसी लगी? गर्मी है, गर्मी ना बहुत। ये देखो यहाँ, ये देखो, और अल्लाह का शुक्र करो कैसे लोग सोए हैं यार। देखो लिटरली रोड के बीच में सोए हैं ये। ये सब देख के यार इंसान सोचता है कि अल्लाह का जितना भी शुक्र करें उतना कम है, कसम से। मतलब एक बार देखो यार, सड़क के बीच में सोए हैं ये, कोई रहने की जगह नहीं, कुछ नहीं। देखो ये है दिल्ली का हाल। और अभी फिलहाल हमें जामिया मस्जिद, जामिया एरिया में। खैर अभी फिलहाल हम दिल्ली पहुंच गए हैं और अभी हमें जामिया वाले एरिया में, हाँ जामिया है ना, जामिया मस्जिद पीछे, ये जामिया मस्जिद है यहाँ पे। और अभी हमें यहाँ मार्केट में, और अभी देख लो कितनी भीड़ है यहाँ पर। और टाइम कैसे लो, टाइम कितना है, टाइम बता, टाइम दिखा, टाइम दिखा। 2:10 रात के 2 बज रहे अभी। और अभी यहाँ पे भीड़ देखो कितने लोग हैं, पूरा मार्केट खुला है, मस्त एकदम खा पी रहे हैं लोग एकदम बढ़िया तरीके से। हाँ जी भाई, मोहब्बत शरबत, हाँ हाँ देखते हैं। ये इसी की बात कर रहे थे, शरबत मोहब्बत, क्या बात है सर, इनको मोहब्बत कराई एकदम बढ़िया वाली। सर मैंने कभी ट्राई नहीं करा। राहुल भाई करो ट्राई, दानिश भाई पहले। शरबत मोहब्बत है, क्या है, क्या है? जोर से बोल। शरबत मोहब्बत। हाँ हाँ करा मोहब्बत। कैसी मोहब्बत है? जबरदस्त। मजेदार, मस्त। राहुल भाई मोहब्बत कैसी है? शरबत मोहब्बत, मोहब्बत हो गई, मोहब्बत हो गई, ज्यादा ना हो जाए। अम्मा को 5 रुपए दे दो। जूस पी लो। शुगर है? शुगर कैश नहीं है मेरे पास कसम से, अगर जूस पियो तो जूस पिला सकता हूँ, कैश नहीं है कसम से। ये देख लो जी, आए हाय हाय मजे। हाँ कितने का मिलेगा सर? आप चिकन का फुल 500 का, फुल 500 का फुल चिकन। हाँ आ जाओ असलम चिकन। अरे यार असलम चिकन बंद है यार, चिकन खाते ऐसे फेमस है बड़ा यार। चल आगे देखते हैं मुझे। अभी हम शरबत मोहब्बत पी के आए हैं चिकन खाने, फेमस बटर चिकन यहाँ का। क्या बात है सर, रोटी ले आओ सर, रोटी एक दो ले आओ यार। तो गाइस मस्त खाना शाना खा के हमने रूम कर दिया जी बुक, और आ गए हम रूम में। और ये रहा जी हमारा होटल रूम। बोलने की हिम्मत नहीं हो रही मेरे में यार, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। ये यहाँ पर एक बेड, और ये यहाँ पर दूसरा बेड। ये दो रूम लिए हमने, एक ही कनेक्टेड है एक ही साथ, लेकिन आधे उधर सोएंगे आधे उधर सोएंगे। मस्त मज़ा आया। अभी बज रहे हैं कितने, टाइम देख लो, रात के 3 बज रहे। अभी बहुत ज़्यादा थके हुए, नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो सो जाते हैं। सुबह जल्दी उठना है, सुबह वाटर पार्क जाने का प्लान है। दिल्ली में थोड़ा मज़े करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या कुछ प्लान बनता है। फिलहाल सोते हैं जल्दी से, इस ब्लॉग को एंड करते हैं। लाइक वी विल सी यू सम अदर डे। टिल देन गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम। सो जाओ जल्दी से, चलो चलो, बाय बाय।